नमस्ते बच्चों बच्चों, त्यौहार सभी को अच्छे लगते हैं। त्यौहार जो है वो मनुष्य के जीवन में नया उत्साह लेते हैं, लेकर आते हैं। रोज़ रोज के वो दैनिक कार्यों से जब हम बहुत अधिक ऊब जाते हैं और उनके बीच जब कोई त्यौहार आता है तो उसका एक जो अलग ही उत्साह लोगों में भर जाता है। आपको पता है, और त्यौहार सबसे ज़्यादा त्यौहार में खुश कौन हो रहते हैं? कुछ बच्चे रहते हैं। अभी अभी आपने दशहरा त्यौहार मनाया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध दशहरा कहाँ के हैं? तो भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध दशहरा एक मैसूर का दशहरा है और दूसरा बस्तर का दशहरा है, जिसमें आपको ये जानकर बड़ा ही गर्व अनुभव होगा कि बस्तर का जो दशहरा है वो सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। बस्तर का दशहरा जो है वो 75 दिनों तक, लगभग 2.5 महीने तक बस्तर दशहरा को मनाया जाता है। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि बस्तर दशहरा में अनेक महत्वपूर्ण रस्मों को भी निभाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बस्तर दशहरा को देखने के लिए लोग विदेशों से भी भारत आते हैं। तो आज हम जो आपके पाठ्यपुस्तक से जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है बस्तर जो दशहरा। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे ये देखकर कि ये नाम कैसा है। तो जी हाँ, ये हल्बी भाषा का पाठ है, आपको हल्बी भाषा में इसे दिया गया है। बच्चों, हमारे बस्तर की जो बोली है, जो हल्बी, जो बहुत सारी बोलियां हैं जिनमें हल्बी बोली जो है उसकी अलग ही मिठास है, और हम बस्तर में रहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम यह जाने कि आखिर इन बोलियों की मिठास कैसी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो इन्हें पढ़ना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको इस पाठ को मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि आखिर हमारे बस्तर के दशहरा को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो है वो महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रूपों में की पूजा पाठ जो है बस्तर दशहरा में जो है वो प्रमुख रस्म होती है। बस्तर दशहरा में माता दुर्गा के विभिन्न रूपों का विभिन्न विभिन्न तरीके से पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम पाठ में देखेंगे कि पाठ में सबसे पहले आपको दिया गया है तिहार उपरे तिहार ऐसे एक गोट सत्य आए, कि त्यौहार पर त्यौहार यहाँ पर है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। बस्तर जो दशहरा तिहार सबले बड़ा है, और बस्तर का जो दशहरा है वो सबसे बड़ा है, बड़ा त्यौहार है। तो बच्चों, बस्तर का जो दशहरा है वो सबसे बड़ा त्यौहार बस्तरवासियों के लिए होता है। इनमें राजा से लेकर, जो राजा हैं उनसे लेकर पुजारी और आम जनता तक, सभी इसमें इस त्यौहार में बड़े ही उत्साह से एक साथ भाग लेते हैं, एक साथ इस त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे कि बस्तर दशहरा में कौन सी प्रमुख कौन कौन सी रस्में होती हैं और उनका क्या महत्व है। बस्तर दशहरा का सबसे पहला जो रस्म है वो है पाट जात्रा। बस्तर दशहरा में, याद रखिएगा, सबसे पहला रस्म जो है वो पाट जात्रा। बस्तर दशहरा का ये जो पहला रस्म है ये सावन के अमावस्या के दिन से शुरू हो जाता है, सावन महीना के अमावस्या के दिन से शुरू होता है। इसमें से जो है इस रस्म के अंतर्गत दशहरा के जो रथ बनाने की, दशहरा रथ जो है उसे बनाने की शुरुआत होती है। इसके लिए दंतेश्वरी मैया की मंदिर में पूजा किया जाता है। पूजा के बाद उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, और आशीर्वाद लेने के बाद जो पुजारी जो है वो सब दशहरा रथ बनाने की जो विधि है उसे वे लोग प्रारंभ करते हैं। तो बस्तर दशहरा का जो पहला रस्म है जो सावन अमावस्या के दिन से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और कुवार महीने के 14वें दिन तक वो चलता है, जब तक कि वहाँ दंतेश्वरी माता और मावली माता की जो विदाई नहीं हो जाती तब तक वो चलता है। इस तरह बस्तर दशहरा जो है वो 75 दिनों तक चलता है। तो बस्तर दशहरा का
पहला जो रस्म है वो है पाट जात्रा, जो कि सावन महीना के अमावस्या के दिन शुरू होता है। इस दिन माता दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है और दशहरा का जो रथ है उसे बनाने का प्रारंभ जो विधि जो है वो प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जो है वो है डेरी गड़ई। डेरी गड़ई पाट जात्रा जो रस्म है उसके होने के 1.5 महीना बाद अर्थात सावन जो है सॉरी सावन के बाद भादो उदय जो उसके 13वें दिन, भादो के 13वें दिन जो है डेरी गड़ई का जो नामक जो रस्म है ये होता है। इस दिन जो मंडप होता है, जो दशहरा का जो मंडप होता है जहाँ पर जोगी बिठाया जाता है, उस मंडप में जो पुजारी जो है उसकी मंडप की पूजा पाठ करने आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर बस्तर दशहरा का तीसरा जो रस्म है वो है काछन गादी। काछन गादी जो है वो कुंवार महीना के अमावस्या के दिन होता है। कुंवार महीना के अमावस्या के दिन काछन गादी जो रस्म है वो कुंवार अमावस्या के दिन शुरू होता है। इसे इस दिन जो है दशहरा इस दिन से जो इस दशहरा जो है 11 दिनों तक चलता है। इस दिन से प्रारंभ होता है और 11 दिनों तक दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। काछन गादी जो रस्म है वो जगदलपुर के एक स्थान पाखनागुड़ा में एक काछन गुड़ी नामक जो देवी स्थल है वहाँ पर इसको किया जाता है। इस दिन जो है मिर्गन जाति के एक कुमारी लड़की कुमारी कन्या को माता के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके लिए पुजारी और जो भगत लोग होते हैं जो सेवक होते हैं वो बेल के कांटे का झूला बनाते हैं और उस पर उस कन्या को झुलाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी पूजा उस कन्या की पूजा पाठ कन्या को माता का रूप मानकर उसकी पूजा पाठ की जाती है और उसके बाद उनसे जो कन्या से दशहरा को मनाने के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। तो इस तरह काछन गादी का जो है रस्म को किया जाता है। काछन गादी जो है कुंवार महीना के अमावस्या के दिन किया जाता है जगदलपुर में पाखनागुड़ा करके स्थान है वहाँ पर जो काछन गुड़ी देवी स्थल है वहाँ पे इसको किया जाता है। उसके बाद जो है जो रस्म है वो है कलश स्थापना और जोगी बशातुर। काछन गादी के दूसरे दिन जो है दो रस्म होते हैं जिसमें से एक जो है कलश स्थापना है और दूसरा जो है जोगी बशातोर है। पहला जो कलश स्थापना है वो है कि जो इस दिन जो है क्या बोलते हैं कलश दंतेश्वरी मंदिर में जो है सबसे पहले माता दंतेश्वरी के मंदिर में पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश जलाया जाता है, जोत जलाया जाता है, उसके बाद मावली गुड़ी और फिर दूसरे माता के लोगों की मंदिर में कलश स्थापना किया जाता है पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ, जो कि 7वें दिन तक नवरात्रि पूजा पाठ के साथ साथ 4 चक्कों से बना फूल रथ जो है चलता है। फूल रथ की जो रस्म होती है वो होता है फूल रथ जब चलते समय उसके साथ नाइक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दशहरा के समारोह को संचालन करने के लिए स्वयं जो है व्यक्ति आगे आते हैं जो अशासकीय होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा शासन द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता। पाइक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है दशहरा के। मांझी अर्थात जो परगने के मुखिए होते हैं उन्हें मांझी और चालकी जो है उनका सहायक उसको चालकी कहा जाता है। कोतवाल और ये लोग जो रहते हैं ये सारे लोग उस रथ फूल रथ के साथ में होते हैं। मुंडा बाजा लोग जो हैं वो लोग मुंडा जाति के लोग होते हैं वे एक विशेष प्रकार के बाजा को बजाते हुए रथ के साथ साथ चलते हैं। रथ के चलते समय जो है हमें आपको बस्तर में की विविधता में एकता का जो स्वरूप है वो देखने को मिल सकता है। फिर फूल रथ के बाद जो है दुर्गाष्टमी और निशा जात्रा ये जो रस्म इस रस्म में कुंवार जो शुक्ल पक्ष है उसके अष्टमी दिन जो है कुंवार महीने के जिस शुक्ल पक्ष के अष्टमी दिन जो दंतेश्वरी माता की मंदिर में दुर्गाष्टमी को अष्टमी के दंतेश्वरी मंदिर में अष्टमी की पूजा होती है। रात के समय मेला लगता है जिस और खमसेरी गुड़ी देवी स्थल है वहाँ पर निशा जात्रा का जो रस्म है वो किया जाता है। उसके बाद जो रस्म है कुमारी पूजा जोगी उठातोर और मावली परघाव ये तीनों रस्म जो हैं वो निशा जात्रा के दूसरे दिन कुंवार उदयाचो के मतलब कुंवार का जो शुक्ल पक्ष है कुंवार महीने का शुक्ल पक्ष उसके 9वें दिन किया जाता है। यहाँ पर दंतेश्वरी माता के मंदिर में छोटे छोटे
लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है शाम के समय जो दशहरा मंडप है वहाँ पर जो जोगी बैठकर तपस्या कर जप तप कर रहे, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उसे 9 दिन जो है उनका जप तप समाप्त हो जाता है। उसके बाद उन्हें जो है उनको वहाँ से उठाया जाता है, जो उन्हें कपड़ा पैसा आदि उनको भेंट की जाती है। उसके बाद उसी दिन रात में दंतेश्वरी माता के जो मंदिर में पुजारी लोग हैं वे लोग दंतेश्वरी माता का छत्र और मावली माता की डोली वगैरह लेकर आते हैं और उनका जो है प्रघाव होता है, उनका स्वागत किया जाता है। ये जो रस्म है उस दिन होता है। इसके बाद है भीतर रहनी जो है वो मावली प्रघाव के दूसरे दिन अर्थात 10वें दिन होता है। इस दिन जो है 8 चक्कों के वाले बड़े रथ को चलाया जाता है। इस दिन जो है माता दंतेश्वरी का छत्र जो है वो आता है और ये बड़े रथ में सारे आसपास के परगने के आदिवासी भाई बहन लोग सब यहाँ पर उस रथ को खींचते हैं और उसको चलाते हैं। ये जो भीतर रहने का जो रस्म है उसमें बाहर रहनी इस रस्म के दिन देवी धामी के जो पूजा पाठ करने के पश्चात, जो देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात राजा भी जो है नवा खाते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता के रथ को पूरे गांव-गांव में ले जाया जाता है, उनके छत्र रथ और छत्र को, और पूरे गांव में माता की डोली जो है रथ जो है वो घूमती है। उसके बाद जो है वो दरबार जो है बाहर रहनी के दूसरे दिन दशहरा में जो दरबार जो लगता है जिसे मुरिया दरबार भी कहा जाता है, इस दिन जो है यहाँ पर सारे सांसद विधायक मांझी चालगी मेंबर मेम्बरीन सारे मतलब जो भी शासकीय अशासकीय लोग जो है अच्छे जो पदों पर हैं वे सारे लोग आते हैं और यहाँ पर जो सारे लोग जो है फरियाद जो सुनी जाती है और एक दरबार लगता है, एक मीटिंग जैसा होता है एक जिसे कहते हैं दरबार। उसके बाद जो है कुटुम्ब यात्रा है दरबार लगने के दूसरे दिन गंगा मुंडा पारा में कुटुम्ब जो जगह स्थान है वहाँ पर कुटुम्ब यात्रा होता है। कुटुम्ब यात्रा में जो गांव के ये यात्रा होने के बाद जो गांव-गांव से जो देवी देवता जो आए हैं उन्हें लोग क्या करते हैं विदा करते हैं। उसके बाद जो अंतिम जो रस्म है वो माता दंतेश्वरी और मावली माता की विदाई से होते हैं। जब सारे देवी देवता जो है गांव-गांव से आए हुए देवी देवता जब विदा हो जाते हैं तो उसके बाद माता दंतेश्वरी और मावली माता को जो है वो लोग की विदाई होती है। इस तरह जो है ये जो दशहरा का त्यौहार है ये जो पूरे 75 दिनों तक चलता है, जो कि सावन महीना के अमावस्या के दिन से शुरू होता है और कुमार महीने के शुक्ल पक्ष के 14th चतुर्दशी यानी उसके 14वें दिन तक ये जो है पूरा बस्तर दशहरा चलता है। इस दौरान बस्तर में बड़े ही उत्साह का माहौल रहता है और बड़े दूर दूर से लोग बस्तर दशहरा को देखने आते हैं। तो बच्चों ये तो थे आपके बस्तर के दशहरा पाठ से जो है प्रमुख बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्में और कैसे किया जाता है ये आपने समझा होगा। धन्यवाद।